अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूअर्स, मैं ऐसे ही थोड़ा सा निकला हुआ था आउटिंग के लिए, तो ये देखें मुल्तान में ये ब्रांड्स वाली रोड है और ये है जी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये है तहसील चौक। ठीक है, इस तहसील चौक पे ये एक है शरीफ कॉम्प्लेक्स के नाम से ना, एक नया प्लाजा है। ठीक है, और इस प्लाजे में अभी काफ़ी तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है कि जो ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको भी थोड़ा सा इसका वो व्यू देता हूँ कि जो मुल्तान के लोग हैं वो तो खैर इसको ऑलरेडी जानते ही हैं, तो आउट ऑफ मुल्तान भी अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो वो मुल्तान में आए तो ये उसके लिए एक ब्रांड्स वाली रोड के साथ ही बिल्कुल सामने एंड पे टक्कर में ये एक प्लाजा है तहसील चौक पे, तो वो यहाँ भी ज़रूर चक्कर लगाए। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है आप अगर कोई ब्रांडेड मेकअप आपको चाहिए तो ये मेकअप सिटी की एक यहाँ पे फ्रेंचाइज है, मेकअप सिटी की शॉप है, सॉरी फ्रेंचाइज का मुझे नहीं पता लेकिन मेकअप सिटी की आउटलेट है। ठीक है, और ये एक लुलू सर के नाम से भी एक नई शॉप यहाँ पे खुली है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये राइट साइड पे भी एक शॉप है जैफर जीस के नाम से, और इधर देखिएगा ये सैमसंग की। ठीक है जी, सैमसंग का यहाँ पे एक आउटलेट है। ठीक है जी, तो ये देखिएगा सामने सईद गनी की जो एक और जो ब्रांच जो मैंने आपको बताया था कि शरीफ कॉम्प्लेक्स में एक जो शॉप है उसका मैं आपको, अब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं इसका भी विज़िट कराता हूँ। वैसे सईद गनी की शॉप मैंने एक कवर की हुई है पहले, तो ये भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा। अच्छा अबू हुरैरा, माशाल्लाह इस कॉम्प्लेक्स में ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव शॉप है, अच्छा इसका सेटअप आपने बनाया हुआ है, तो ज़रा बताते हैं थोड़ा सा आपकी। वैसे दूसरी शॉप मैंने कवर की हुई है तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं, ये क्या है? ये इतर गिफ्ट होटल है, अच्छा आपने देखो कि अरेबिक इतर्स वगैरह आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गिफ्ट वगैरह दे रहे हो तो सही है, अरेबिक जो इतर आते हैं हाँ, जैसे आपके पास इतर की वैरायटी है उस शॉप पे भी थी, इस पे भी है, तो वो फिर आप इसमें अगर कोई गिफ्ट पैक कराना चाहे तो ये एक देखें जी बड़ी ही खूबसूरत पैकिंग है गिफ्ट के लिए ना। ठीक है, तो आप इतर गिफ्ट करें तो अपने प्यारों को अगर गिफ्ट कर रहे हैं आप तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अपना जो है गिफ्ट कर सकते हैं ना। ये क्या है, ह्यूमिडिफायर है? अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों ये ह्यूमिडिफायर है। ठीक है, इसके अंदर वो आपको मैंने शायद एक अपनी वीडियो में दिखाया भी था कि इसके अंदर पानी डालते हैं थोड़ा सा और लिक्विड डालते हैं जो फ्रेगरेंस वाला लिक्विड होता है, तो फिर उसके बाद ये भी इलेक्ट्रिसिटी से है या ये सेल ऑपरेटेड है? ये इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा ये हमारी कंपनी ने यूनिक होम्यूफायर निकाला है। अच्छा, एज अ लैंप के तौर पे भी यूज़ किया जाएगा। सही है, अच्छा ग्रेशिया, ये मेरे लिए भी एक नई जो है इन्फॉर्मेशन है कि ये एज ए लैंप भी है और साथ ये ह्यूमिडिफाई भी कर रहा है। ग्रेट यार, ज़बरदस्त। इसकी क्या प्राइस है? ये तो मुझे खुद बहुत पसंद आ गया है। 4000 है। चलें, ये अभी मैं शुक्र करता हूँ मेरी मिसेज मेरे साथ नहीं है तो ये ख़र्चा आज अभी हो जाना था। ठीक है जी, ज़बरदस्त। और ये आपका अपना शॉप के यूज़ में ह्यूमिडिफायर चलाएं ज़रा इसको, ये मैं कहता हूँ कि मेरे अपने घर में भी है। ठीक है, तो इसकी फ्रेगरेंस वाकई अपने आपके रूम को, आपके पूरे घर को, टीवी लाउंज में अगर आप लगा दें तो
जो है वो हल्का हल्का जो है खुशबू का जो एहसास आता रहता है ना, वो आपको जो है फ्रेश रखता है ना। अच्छा, ये सारा वही आप कह सकते हैं कि ये गिफ्ट बॉटल है, ठीक है ना, ये गिफ्ट बॉटल है जी, कि आप अगर अपना कोई परफ्यूम इसमें डाल के गिफ्ट कर सकते हैं। ये नीचे ब्रांडेड परफ्यूम है, ये देखें जी, इन्होंने ब्रांडेड परफ्यूम भी रखे हुए। अच्छा, ये सईद गनी इंपोर्ट करता है, ओरिजिनल हैं सारे ना, सब ठीक हो गया। ये इधर भी है, ये देखें, ये सारे सईद गनी ने इंपोर्ट किए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको ये पहले काउंटर कवर करा देता हूँ, ठीक है। ये अगर मैं समझ पाया हूँ तो ये फ्रेगरेंसेस वो हैं जो जो एक वो आप कहते हैं ना कि एक कंटेनर होता है जिसके नीचे वो लगती है बर्नर, उसे बर्नर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बर्नर था, इसके अंदर ये खुशबू डाली जाती है। ये वाली जो खुशबू है ना, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है जी। और इस ये भी डिफरेंट फ्रेगरेंसेस हैं, ये यूज़ होती हैं इस क्या कहते हैं इसको, बर्नर में, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो बर्नर है, ठीक है, इसके अंदर ये फ्रेगरेंस वाली जो है अपना पीसेस थोड़े से डालेंगे ये सॉलिड फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल देंगे नीचे से इसके जो है वो, या कैंडल रखते हैं। ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक है, उसके अलावा ये मैनुअल है, ये मैनुअल है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक वो कॉइल चलता है, कॉइल चलता है जी, जिसे मैजिक कॉइल भी बोला जाता है, शीशे वाला कॉइल है, ये मैजिक कॉइल बोला जाता है, उसके ऊपर फ्रेगरेंस रखी जाती है, सही है। ये इलेक्ट्रिक है, ये जस्ट शू में लगेगा और इसके ऊपर डाली जाएगी खुशबू, वो नीचे से नीचे एलिमेंट होगा जो उसको गर्म करता होगा सतह को, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि इसके नीचे वाली जो सतह है वो गर्म होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक के जरिए होगा, और अगर वो वैसे है किसी मैनुअल है तो उसके नीचे वो किसी के नीचे कैंडल लगती है, किसी के नीचे कोई और तरीका कार होता है। बहरहाल इस सतह को हीटअप किया जाता है, इसके ऊपर पड़ी जो सॉलिड फॉर्म में जो फ्रेगरेंस है वो उसके अंदर से फिर खुशबू निकलना शुरू हो जाती है, और आपके रूम को आपके घर को जो है वो खुशबू से मुअत्तर करती जाती है, ठीक है जी। ये भी ह्यूमिडिफायर लगे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये स्मॉल साइज में ना, ठीक है, ये छोटे भी हैं, और ये कितने का है जी? सही है, 2500। ये 2500 का है जो छोटे लगे हुए। अच्छा, चलें, ये क्या है? ये गाड़ी में लगाया जाता है, जिससे कि ये रूम फ्रेगरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये गाड़ी फ्रेगरेंस के लिए यूज़। अच्छा, ये कार के लिए? जी, कार के लिए। ज़बरदस्त यार, ये निकाल के दिखाओ भाई, ये देखिएगा दोस्तों, ये एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, मैं भी इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये भी बर्नर है जिसके अंदर आप फ्रेगरेंस रख के तो गाड़ी के ये यूज़ के लिए है, कि अगर आप इसको कार चार्जर की जगह पे लगा देंगे और इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो इसके अंदर वो सॉलिड फॉर्म में जो है खुशबू वो आप रख देंगे तो आपकी गाड़ी को खुशबू से मुअत्तर कर देगा। ये भाई कितने का है? 1000 जी, 1000 का है, गुड हो गया सर, चले। और इसके अलावा ये क्या है? ये भी यही है। अच्छा, ये इसकी खुशबू की अकसाम है, ऐसे है, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर क्या है? बॉक्सेस के अंदर ये उनके बैग्स हैं, ठीक हो गया, चलिए जी। मुझे थोड़ा सा यहाँ से रास्ता देंगे जी। अच्छा, ये बाकी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जी, ये देखिएगा, ये ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाई थी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ ज़रा मैं दूर खड़ा हुआ था तो मुझे इतना क्लोजअप का मौका नहीं मिला, तो ये देखिएगा, ये भाई अपना स्किन से रिलेटेड है जी जी, जिस तरीके मैं आपको बताता हूँ जी जी, ये हमारे स्टार्ट में है ऑलिव बॉडी बटर, जो कि मोस्ट ऑफ आइस के लिए यूज़ किया जाता है, और खासतौर हमारी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स वगैरह होते हैं उसे रिमूव करने का काम देता है। अच्छा, उसके अलावा ये ट्रिपल एक्शन क्लिनजर है, क्लिनजर आपको पता है हमारे फेस पे जो डस्ट वगैरह होती है उसे रिमूव करता है, सही है,
उसके अलावा ये गोरमेट क्लिनजर है जो कि फेस की मॉइस्चराइज के लिए, जिनकी ड्राई स्किन होती है, फेस पे पैचेस वगैरह बनते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ये व्हाइटनिंग क्लिनजर है जो कि फेयरनेस का काम देता है और हमारे ओपन पोर्स वगैरह क्लोज करता है। सही, ये बेसिकली सारे क्लिनजर हैं जी। ये क्लिनजर है, बाकी स्किन पॉलिश है, वो ये स्किन पॉलिश हो गया, ये नीचे भी आप देखें ये उबटन आ गई जी, ये उबटन मसाज है, फेयरनेस मसाज। अच्छा, ये उबटन के मसाज के लिए है ना, उबटन वाला मसाज। ये हमारा मड मास्क हमारी कंपनी का, ये नॉन इंटरेक्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये ऑनलाइन करते हैं जी? जी ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर कोई आपको ऑर्डर प्लेस करता है वो सर ऑनलाइन हमारा पेज है सईद गनी, ठीक है, 888 ठीक है, वो फिर हमारा क्या नाम है कराची से ही, दोबारा बताए, सईद गनी, सईद गनी 188 ऑफिशियल, 188 ऑफिशियल, ये हमारा पेज है और इसी पे हमारा ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपके जी फेस मास्क हैं, ये देखिएगा, ये फेस मास्क है, विटामिन सी, सॉरी फेस वॉश है, ये विटामिन सी मास्क है, ये मास्क है। उसके अलावा ये डॉग सर्कल क्रीम है, ये डॉग सर्कल, उसके अलावा ये ग्रीन क्ले मास्क है, ये सारे मास्क हैं जी। एक आपका वो हेयर ग्रो वो भी होता है, वाटर होता है क्या, वो किधर है? ये देखिए जी, बाकी शेल्फ में आपको ये उत्तन से रिलेटेड ये दिखा रहा था, ये इनकी फ्रेग्रेंसेज हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। और आप ये देखें कि ये फ्रेग्रेंस भी आपके जो ह्यूमिडिफायर है इनके अंदर भी यूज़ हो सकती हैं, और वैसे भी आप इतर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी एक देखें जी बहुत ही ख़ास जो प्रोडक्ट है ना सईद गनी की, वो ये देखिएगा, हेयर ग्रोथ वाटर, ठीक है ना, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपने नहीं यूज़ की तो ज़रूर सईद गनी से ये आप मंगवाएं, या आप अगर विज़िट कर सकते हैं तो विज़िट करके ये ज़रूर खरीदें, ठीक है। और ये साथ क्या जी, ग्लैसरीन है? हाँ जी, ग्लैसरीन प्लस रोज वाटर, जो कि फेस पे ग्लैसरीन का काम होता है, सॉफ्टनेस और शाइनिंग पैदा करना, और रोज वाटर का काम होता है फ्रेशनेस का। अच्छा, ये ग्लैसरीन प्लस रोज वाटर है, ये रोज वाटर हो गया जी, सही मायने में सी प्लस रोज वाटर, और विटामिन सी प्लस रोज वाटर, ठीक है जी। और ये आप एक फिर देख लीजिए कि शैम्पूज की वरायटी है, और इनका ये बहुत हल्के मक्सियात जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले है। ये कि इसका क्या फायदे थे जी? मगजिया सर हमारे सब ऑयल्स का मिक्सचर है, ये अच्छा। बालों की खास तौर बालों की री ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। सही है, बालों में सॉफ्टनेस शाइनिंग पैदा करता है, बालों की री ग्रोथ करता है, और यानी कि जिनके बाल टूटते फूटते हैं, झड़ते हैं या कम आते हैं, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त, हेयर फॉल के लिए बहुत ही जबरदस्त आइटम है ये। आप यूज करके देखें, आप दोबारा इंशाल्लाह ताला लेंगे, ठीक है जी। ये देखते जाइएगा ना, ये आंवला ऑयल है, और ये नीचे हेयर ग्रोथ के लिए मास्क है जी। हाँ जी सर, हेयर ग्रोथ मास्क, ये हेयर ग्रोथ फेस पैक, ठीक है। अच्छा, ये आगे ऊपर लगा हुआ है नीम सोप है, और इस तरह की चीज़ें हैं, ये संदल का फेस वॉश है, और ये हेयर हिना पाउडर। ये हेयर हिना पाउडर क्या है जी? सर हेयर हिना पाउडर ये हमारी कंपनी की, ये वो नेचुरल मेहंदी है जो कि रेड कलर देती है। अच्छा, ब्लैक कलर डाई करने के लिए, ब्लैक डाई करने के लिए प्रोडक्ट है हमारा। अच्छा अच्छा, ये भी नेचुरल है, इसमें आंवला काली मेहंदी जिसे कहते हैं, जिसे काली मेहंदी बोलते हैं, इसमें आंवला रिखा शिका काई और हिना ऐड है, ठीक है। और इसी में ये ब्राउन मेहंदी है, ये नेचुरल ब्राउन कलर देगा, ये नेचुरल ब्लैक कलर देगा। और ये पाउडर क्या है फिर, ये ऊपर वाला जो है, ये हेयर डाई, ये भी इसी मकसद के लिए? हाँ जी, हेयर डाई, इसका रेड कलर है, ये सईद गनी की प्रोडक्ट इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट ईरान इराक वाली साइड पे जाती है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जाती है? हाँ जी, यानी ये एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये देखिए जी, ये ईरान वगैरह में भी ये प्रोडक्ट इनकी जाती है। तो व्यूअर्स, आपको मेरा ये व्लॉग उम्मीद है बहुत पसंद आएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।